नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंजल्स पेशन। आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसका नाम है साबूदाने की उपमा। और इसे बनाना बहुत आसान है, ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप इसी तरह से साबूदाना का उपमा बना करके बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो खुशी खुशी ये बहुत अच्छे से खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि हमने इसमें इतने सारे सब्जी भी डाले हुए हैं। तो फिर आइए देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है साबूदाना को, मैंने भिगो के रखा है, ये मैंने 1 कप साबूदाना को भिगो के रखा है और ये अच्छे से भीग गया है। मैंने ये बड़े साइज़ का साबूदाना लिया है, देखिए। और यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ के कटे हुए ऑनियन और 1 मीडियम साइज़ के पटाटो, टमाटो और बीट रूट, कैरेट, केवेज और ग्रीन चिली लिया है। इन सबको, इन सब सब्जियों से हम थोड़ा थोड़ा ही कट करके लिए हैं, आप और भी कई सारे सब्जी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 मुट्ठी भर के पीनट डाला है, पीनट को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अभी हमारा पीनट भी ड्राई रोस्ट हो गया है। इसमें से देखिए मैंने 2 पार्ट कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है उसको ग्राइंड करेंगे और जो थोड़ा रखा है उसको हम ऐसे ही डालेंगे बाद में। और मैंने उसी सेम पैन में डाल दिया है 2 स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर डालूँगी 1 स्पून जीरा और 1/2 स्पून डाला है मैंने उड़द दाल और 1/2 स्पून डालूँगी चना दाल। जीरा और हमारा उड़द दाल थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चना दाल। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ऑनियन को। अनियन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ, आप आपके तीखे या पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 ही सही रहेगा। अब हम अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए आलू को और गोभी, कैरेट, बीटरूट, ये सब डाल दिए हैं। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटो को हम बाद में डालेंगे, अगर हम टमाटो डाल देंगे तो ये सब को बॉईल होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब हम इसे कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। हमारा आलू बीटरूट अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। देखिए अब हमारा आलू भी अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आप कड़ी पत्ता को पहले मत डालिए, नहीं तो कड़ी पत्ता का स्मेल जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, इसीलिए कड़ी पत्ता को बीच में या फिर लास्ट में ही डालिए। अब मैं इसमें डाल दिया है कटे हुए टमाटो। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो फ्राई करके पीनट रखे थे उसका मैंने छिलका निकाल दिया है और उसको ऐसे पीसेस में रखा था उसको भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी साबूदाना। अभी हम इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं और उसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 स्पून डालेंगे गरम मसाला। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारे साबूदाना को अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चली जाएगी। और इसमें डाल देंगे कटे हुए धनिया पत्ता और 1/2 नींबू का रस, आप चाहे तो नींबू के बदले आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। जब हमारा साबूदाना कुक हो जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगी। और देखिए हमारा साबूदाना का उपमा बनके भी तैयार हो गया है। लास्ट को हम उसके ऊपर डाल देते हैं पीनट का पाउडर जिसे हम पीनट फ्राई करके रखे थे। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने आसानी से और जल्दी ही बनके तैयार हो गया है हमारा साबूदाना का उपमा। बच्चे हो या बड़े हो सभी को ही ये पसंद आएगी खाने के लिए। तो फिर आप भी इसी तरह से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।